लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। भारत में बहुत सी परंपराएं हैं और अक्सर हमें ऐसी ही कोई परंपराएं सुनने को मिल जाती है जो सबके लिए अटपटी सी लगती है। ऐसी ही एक परंपरा उत्तर प्रदेश में है, जहां दिन निकलने से पहले ही पूरा गाँव खाली हो जाता है और दिन ढलने के बाद ही सब घरों में वापस जाते हैं। ये परंपरा आज से नहीं सैकड़ों सालों से चल रही है। कहते हैं जिसने इस परंपरा को नहीं माना उसकी मौत हो जाती है। गांव के लोग चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी लोग एक साथ मिलकर इस परंपरा को कायम किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के सिसवा बाजार से पश्चिम की तरफ 2 किलोमीटर दूर ग्राम सभा बेलवा चौधरी गांव में पिछले सैकड़ों सालों से यह परावन की परंपरा हर तीसरे साल बुधवार पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। सूर्य निकलने से पहले ही गांव के हर घरों में ताले लग जाते हैं और सभी लोग गांव से बाहर निकल पड़ते हैं और खेतों व बगीचों में अपना पड़ाव डालकर पूरे दिन वहीं रहते हैं। अगर किसी घर में एक दिन पहले नई नवेली दुल्हन आई है, वे भी घर से बाहर चली जाती है। इस दौरान पशुओं को भी लोग अपने साथ रखते हैं। गांव की गलियां पूरी तरह सुनी हो जाती है। गांव में रहने वाले हिंदू मुस्लिम छोटे बड़े सभी एक साथ गांव को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। गांव की एक महिला पूनम का कहना है कि 200 साल पहले बुधवार पूर्णिमा के दिन यहां पर साधु महात्मा आने वाले थे, जिसकी सूचना ग्रामीणों को नहीं थी। इस कारण गांव वाले उनका स्वागत नहीं कर पाए। इससे नाराज होकर साधु महात्मा ने गांव को श्राप दे दिया। यही वजह है कि गांव वालों को इस दिन घर से बाहर निकलना पड़ता है, फिर शाम को पूजा पाठ कर घर में प्रवेश करते हैं।